भैया जी। अरे अरे अरे, अरे। वेलकम बैक। सो भाई हो गए अपने दिन की शुरुआत एंड ब्लॉग की भी। आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट चालू हो रहा है बिकॉज यार अपन सो गए थे रात को, थोड़ी सी नींद कम हुई तो हमने कहा चलो सुबह थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर लेते। वैसे भी आज छुट्टी है तो हम लोग सो ही गए थे। तो हाँ, सो अभी जो है मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे 4 और लंच वगैरह सब हो गया है। एंड फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मोटो ब्लॉग करने, क्योंकि भैया मौसम हो रहा है एक नंबर। तो हाँ, सो मतलब मोटो ब्लॉग क्या, बच्चों की रिपोर्ट्स लेके आनी है। तो अभी उनके टेस्ट वेस्ट हुए थे ना, वो होते हैं न्यू बॉर्न्स के टेस्ट वगैरह, तो उनकी रिपोर्ट्स लेके आनी है और डॉक्टर के पास से। तो अभी वहाँ जा रहे हैं एंड थोड़ी सी बाइक भी चला लेंगे। और मौसम तो भाई चुम्मा हो ही रहा है बढ़िया। सो गाइस, मुझे टास्क मिला है, मुझे इन लोग को बुलाना है जो नीले उसमें खड़े हैं ना, पता नहीं बहुत दूर खड़े हैं यार, देखो कितनी दूर है। रुको आवाज़ मार के देखता हूँ। भैया नीले बैग भैया, मम्मी सुन नहीं रहे यार वो, भैया जरा बुला लो उनको। चलो गाइस निकाले अपना मुखौटा। आए हाय क्या ले, बड़े दिन बाद। चलो गाइस चलते हैं, बढ़िया घूम के आते हैं थोड़ा, और जो है रिपोर्ट्स भी लानी है वो भी ले आते हैं। एंड जो है यार सबकी ग्रूमिंग हो गई, मेरी भी सबकी है ना यार। आज बाइक को भी ग्रूम करते, थोड़ा सा पॉलिश वगैरह लगाते, बहुत दिन से लगाई नहीं है अपन ने। भैया बाइक की हालत थोड़ी सी गंदी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही वैसे, बट स्टिल थोड़ी पॉलिशिंग कर देते हैं इसको, मस्त चमक जाएगी। ऑलराइट गाइस, मस्त चमका दिया अपन ने अपनी बाइक। ओके रिपोर्ट हो गया सीन एकदम, अब बढ़िया लग रही है अपनी, धन्नो मस्त एकदम। आहा क्या फीलिंग है भाई, और इस फीलिंग को यहीं पे रोक दिया गया है, क्या बात। चलो भैया भैया जी। अरे 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 अरे, बड़ा क्लोज। चलो निकल गए, फीलिंग में बाधा डाल दी यार, अच्छे खासे घर से निकले थे। फिलहाल जो है बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, बट वैसे ठंड थोड़ी सी थी अभी 2-3 दिन से भयंकर, मतलब मेरे को ठंड लग रही थी तो भाई होगी बढ़िया ठंड। अरे भाई ये कितना सही लग रही है यार लाइट्स, ये कब से जलने लग गई, इस रोड पे भी लग गई ये वाली ट्राई कलर, हमारा जो फ्लैग का कलर है, इतना सही लग रही है यार। पता नहीं कैमरे में देख पा रहे नहीं, बट मैं तो दूर तक देख पा रहा हूँ, यही लाइट्स दिख रही हैं। रात में और अच्छी लगेंगी आई थिंक, जब मैं वापस जा रहा हूँ घर तो और ज़्यादा लाइट हो जाएंगी। चलो गाइस पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, जहाँ से अपने को रिपोर्ट लेनी है। वो स्टार्टिंग में बच्चों के थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं कैसी आई है, जो मैंडेट टेस्ट्स होते हैं वो सब हमने करा लिया है। गाइस दोनों की रिपोर्ट आ गई है अपने पास, एंड जो है डॉक्टर से भी बात हो गई है, उन्होंने रिपोर्ट्स देख ली, एंड थैंकफुली एवरीथिंग इज फाइन, तो बढ़िया सही है। जैसे मैंने आपको बोला था रात होगी तो ये और अच्छा लगेगा, सोचो अभी थोड़ी सी रोशनी कम हो गई है तो अभी इतना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल रात हो जाएगी तो कितना सही सा लगेगा, एकदम मुख्य रिपोर्ट सीन। तो गाइस आप सोच रहे हो कि इतने से ब्लॉग में बस एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा बेबी का, बट यार मैं बता रहा हूँ हमारा पूरा जो दुनिया है वो अभी उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है, और कुछ भी नहीं सूझ रहा हम लोग को कि क्या करना है, कुछ कहीं जाना है या कुछ, मतलब अभी तो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे बेबीज एंड मोनी है, बिकॉज उन लोग को बिल्कुल एकदम सेटल करना है अच्छे से, ताकि आने वाले टाइम में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ बेबीज तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब नए घर में भी, जैसे अभी वो इतने दिन से हॉस्पिटल में थे फिर अभी घर आए हैं, सो अभी हो गए हैं सेटल डाउन। मोनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज फील वील होने में थोड़ा सा, बट ठीक है बाकी सब चीज़ें। तो इसलिए अभी जो आपको ब्लॉग्स में तो हमारे मंचकिन से देखने को मिलेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, तो
एंड लोग बोल रहे थे फेस रिवील कब करते हैं, तो फेस रिवील करूंगा यार मैं बहुत जल्दी, बट कुछ रिचुअल्स की वजह से जो है मैं अभी नहीं रिवील कर पा रहा हूँ, बट जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी तो डेफिनेटली यार आप लोग फैमिली हो और मेरी फैमिली भी बड़ी है, तो ऑब्वियसली आप लोग के साथ शेयर करने में तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस अपनी चल रही चाय बढ़िया, क्योंकि बाहर का मौसम तो आपको पता ही है ना भाई, मस्त चाय वाला हो रखा है, तो भाई हमने कहा चाय पीते हैं। एंड यार मम्मी ने क्या अदरक कूट के चाय बनाई है, एक नंबर एकदम। अम्मे थक गई है? नहीं मैं क्यों थकी हूँ, तुम लोग सो रहे हो या मैं थोड़ा सो रही हूँ? तुम भी तो पी। बाबू की बुआ ने जो है गिफ्ट भिजवाया है, और ये आया सीधा बॉम्बे से, देखो कितना प्यारा सा गिफ्ट है, एकदम बढ़िया सा। अभी इसको अनबॉक्स करेंगे एंड जो है फिर देंगे इसकी क्या मैकेनिज्म, इसमें सेल वेल नहीं है तो अभी जाते सेल लेके आते पहले एंड फिर इसको करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाएंगे। लग तो बढ़िया सर है, ऐसे बच्चा खेलता है इसमें। चलो गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अब जो अनबॉक्सिंग होगी ना वो हमारे छोटे मोटू की होगी, ठीक है? तो अभी जो है हम आपको ये अनबॉक्स करके दिखाते हैं जो कि बाबुओं की बुआ ने भिजवाया है, और जो है देखते हैं इसका क्या सिस्टम है। भाई ये तो सही सा लग रहा है। अच्छा ये इस पे बच्चे लेटेंगे। इसको सेटअप करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइस फाइनली बहुत मुश्किल और मशक्कत से जो है तैयार हो चुका है, यार ये बहुत ही सही लग रहा है। मतलब ये एक्सरसाइज गेम है, इसमें क्या होता है बेबी यहाँ पे लेटता है एंड वो पैर चलाता है ना, तो ये पियानो बजता है। अभी इसमें सेल डालना है तो जब वो पैर मारेगा ना तो अलग अलग साउंड्स आएंगी और ये इससे अपना खेल सकता है। ये रैटल्स लगे हुए हैं, सही सा लग रहा है यार। हमारे टाइम पे ये वाले गेम्स क्यों नहीं थे? हमारे टाइम पे पता नहीं, एक बार ये झुंझुने दे देते थे हाथ में छन छन आठ के लिए। मम्मी जी वाह है मजेदार। हाँ। सो फाइनली मैंने इसको असेंबल कर दिया है, सेल भी डाल दिए हैं एंड इसको ऑन करते हैं, अब देखते हैं क्या। ओह नाइस, बढ़िया। सो यहाँ पे जब बच्चा बैठ के ऐसे लात मारेगा ना यहाँ पे, तो अरे ये तो हिल रहा है यार। अच्छा ये नीचे से शायद, अरे अच्छा ये सिस्टम है, यहाँ से निकाल के इसको इसको यहाँ से अटैच करना पड़ेगा इससे। चलो बढ़िया है, जब लेटेंगे तब करेंगे। बाकी ये शीशा लगा हुआ है, हाय क्या ले इतना आ गया डिनर। बढ़िया आज बनी मटर आलू की सब्जी एंड मस्त बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ अपन खा रहे हैं बच्चों के कुएँ कुएँ के साथ। बढ़िया हो गया डिनर। एंड जो है यार उस दिन मैंने मम्मी जी को देखा था मोनिका की, जब वो हेड मसाज कर रहे थे ना, मेरे को बड़ा ही सही लग रहा था। मम्मी जी आ जाओ, मैं फिर मेरे घर दोगे? चला बढ़िया करते हैं मसाज। मज़ा आ गया, मैं तो सो गया था पता है थोड़ी देर के लिए, देखो मेरी आँखें भाई मस्त एकदम बढ़िया। मम्मी ने पूरे यहाँ तक, थैंक यू मम्मी जी, मज़ा आ गया। अब मेरे को लग रहा है कि ना अब सोने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी हमारे बाबूजी भी सो रहे हैं, तो जो है अभी जब ही उठेंगे फिर हम रात को इनके साथ उठेंगे, अभी तो 12 बज रहे हैं। तो इस वीडियो को करता हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा।